दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं सोनप्रयाग से, और सोनप्रयाग से त्रिजोगी नारायण जो मंदिर है वह है 11 किलोमीटर। ये खूबसूरत व्यू हमको ऊपर जाने पे बहुत ही अच्छा नज़र आता है। आसमान खुला खुला, ये वाइट से बादल और ये जंगल, जंगल के बीच तो हम पहुंचे हैं त्रियोगी नारायण। और ये देखिए खूबसूरत व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहीं पे शिवजी और पार्वती की शादी हुई थी ये माना जाता है, मंदिर का मेन गेट, और यहीं से हमारी एंट्री होगी। आप देख सामान मिल जाता है, पूजा से रिलेटेड मालाएं मिल जाती हैं दोस्तों, ये देखें। हाँ जी, अभी आए नहीं होंगे फिर नंबर नहीं कॉल कर। थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको मंदिर दिखाई देगा। कुंड दिख रहा होगा, और इसी कुंड में हमें हाथ पैर मुंह हाथ धो के जाना होता है दर्शन के लिए त्रिजोगी नारायण मंदिर में। ये खूबसूरत व्यू के अंदर माना जाता है कि त्रियोगी नारायण मंदिर त्रेता युग से स्थापित है, और माना जाता है कि इन कुंडों के पानी में रोज नहाने से पुरानी से पुरानी बीमारियां और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां तक खत्म हो जाती हैं। और इस मंदिर में तीन कुंड हैं, ब्रह्मा कुंड, इस कुंड में ब्रह्मा जी ने विवाह से पहले स्नान किया था। दूसरा हमारा आता है विष्णु कुंड, विष्णु कुंड विवाह से पहले इस कुंड में ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने स्नान किया था। तीसरा कुंड आता है रुद्र कुंड, विवाह में उपस्थित होने वाले सभी देवी देवताओं ने स्नान किया था। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियोगी नारायण गांव में स्थित है। पूनम लेख मत करो यार, दोस्तों ये है त्रिजोगी नारायण मंदिर, और यही माना जाता है कि यहीं पे भोले बाबा और पार्वती की शादी हुई थी। दोस्तों ये देखिए आप, दोस्तों आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ आने के लिए सबसे पहले ऋषिकेश से सोनप्रयाग आना पड़ता है, और फिर सोनप्रयाग से 11 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी पर आपको त्रियोगी नारायण गांव मिलता है, जहाँ पर कि त्रियोगी नारायण मंदिर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रियोगी नारायण में बहुत आपको होटल रहने के लिए होटल भी मिल जाते हैं दोस्तों, ये देखिए, और ये अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। एक छोटा सा गांव भी है दोस्तों, ये दिखाते हैं आपको, देखिए। और इस इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ये है त्रियोगी नारायण मंदिर, जहाँ पे कि शिवजी और पार्वती की शादी हुई थी ये माना जाता है, ये देखिए। और खूबसूरत पहाड़ आपको यहाँ पे नज़र आते हैं।
जी पंडित जी, यहाँ पे ना क्या मान्यताएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे शंकर भगवान की शादी हुई है विष्णु साक्षी करके। जी जैसे हम लोग गणेश जी को साक्षी मानते हैं, जी उन्होंने विष्णु भगवान को साक्षी माना है। जी जी, अब जाके शादी की जी। आपको पता होगा कि शिव जी की पहली पत्नी हरिद्वार कंखल में सती हो गई थी। जी जी, उसके बाद राजा पर्वतों के राजा हिमांचल के घर में जी माता मैना की कोख से दोबारा जन्म लेती है माता पार्वती। जी उसके बाद कई वर्षों तक माता यहाँ पे तपस्या करती। वो ऊपर देखो, ऊपर इस साइड में वो झंडी लगी हुई है ना। अच्छा, ऊपर साइड गुफा है। अच्छा, कई वर्षों तक माता ने तपस्या की वहाँ पे शिव जी को पाने के लिए। जी तब जाके शिव जी प्राप्त होते हैं उनको, तब यहाँ पे शादी होती है। जी तो प्रांगण में पहले चार कुंड है, पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड। जी दो कुंडों में स्नान होता है। जी तीसरा है विष्णु कुंड, उसमें ओम नमो नारायण करके आचमन होता है। जी चौथा कुंड है सरस्वती कुंड, जी उसमें पितृ तर्पण होते हैं। जी जी पांचवी जगह है धर्मशिला, जहाँ पे माता पार्वती का कन्यादान हुआ है। जी और सौभाग्य पूजा वहीं पे होती है। जी वहाँ पे राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया, मोर मोतियों को लेकर, और 1,25,000 गाय दान करके, गाय बांधने का खूंटा दिया है वहाँ। जी 1,25,000 गाय दान करके उनको विदा किया। जी उसके बाद आगे पंचनाम देवता है, छोटे छोटे मंदिर भगवान जी, द्वारे पर गणेश जी है, अन्नपूर्णा माता है, ईशानेश्वर महादेव है, बजरंग बली है, अर्धनारीश्वर महादेव। उसके बाद अंदर जाएंगे, अंदर भगवान विष्णु के दूर से दर्शन होते हैं। जी बीच में विष्णु भगवान, दाएं तरफ डोले पे लक्ष्मी जी, बाएं तरफ सरस्वती जी, आगे ताम्रशिला है, उसमें 108 शालिग्राम है। जी एक बड़ी मूर्ति है, वो सत्यनारायण भगवान की है। जी सत्यनारायण भगवान के आगे से अखंड दीपक है। जी दीपक के नीचे शिव और पार्वती का जोड़ा सहित मूर्ति है वरवधु में। जी उसके बाद आगे आते हैं, वो धुनी जल रही है। जी वो त्रेता युग से जल रही है, जब से भगवान जी ने वहाँ पे फेरे लिए थे। जी माता पार्वती और शंकर भगवान ने वहाँ पे फेरे लिए थे। जी वो आग तब से जलती आ रही है, तब से जल रही है। हाँ तो वो पहले सतयुग में अपने आप जलती थी। जी अब ये कलयुग है, उसमें लकड़ी डालनी पड़ती है। जी जी उसको जिंदा रखने के लिए। जी जी तो वो धनंजय नाम की अग्नि है। धनंजय नाम की, ये है यहाँ का माता। ओके ओके धन्यवाद दोस्तों। चलते चलते केदारनाथ जी के भी दर्शन कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो बनाता रहूं, ऐसे ही आप लोगों को दिखाता रहूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और आपको बाबा केदार दिन दुगनी चार चौगुनी बरकत दे। थैंक यू।